35 की बात कर दी है, आभार यात्रा, जोहार यात्रा जो उनका है निकाल दिया, जनता के पैसा करोड़ों अरबों खर्च कर दिए, तो बस बात करने से होगा, यात्रा निकालने से होगा या फिर लागू करके दिखाना होगा कि वो लोग भी बोल रहे हैं, आप ही लोग जमीन बेचे हैं तो आप CNT के जमीन पे घर कैसे बना बैठे हैं, ये भी तो सवाल है। वो जन्म झारखंड में लिए पर मूल निवासी झारखंड के नहीं है, वो अदर किसी स्टेट के, वो सबको पता है। या जन्म लेने से झारखंडी हो जाएंगे तो बाहर के है तो कहाँ बोलेंगे झारखंडी के है। हम लोग को दिक्कत नहीं है, दिक्कत रहता तो आपको विधायक और सांसद बनाते ही नहीं, फिर आप मूल निवासी के हित में बात क्यों नहीं करते हैं। हम भी कहाँ बोल रहे हैं, आप मंगल घरा से आए, प्रदीप चाचा बोल रहे हैं कि वो यहाँ की बहू है, तो आप बताइए हमारे घर में जब भाभी आएगी तो अपना सरनेम छोड़ के आएगी, अपने वहाँ का रीति रिवाज छोड़ के आएगी, तो अपनी भाभी को हम सिखाएंगे कि नहीं कि तो यहाँ खेबी खपर पोड़ो छिलका रोटी ढुसका रोटी एडसा रोटी, तो यहाँ नाच भी झूमर नाच भी, तो हम क्या गलत बोले अगर पूर्णिमा भाभी को उसके ससुराल का चीज़ सिखा दिए तो। जो सदियों से मांदर के थाप पे थिरकते आ रहा है, झूमर के गीत पे थिरकते आ रहा है, वही यहाँ का आप लोग तो अपना भाषा तक नहीं छोड़ पाए हैं। सदियों से आप बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे बसे हुए हैं, अपना तो भाषा नहीं छोड़ पाए, तो आप कैसे बोल रहे कि हम यहाँ के मूल निवासी है, बस खाने और लूटने के लिए मूल निवासी के हर उन लोग से आप कभी खोटा में बाइट ले लीजिएगा, वो लोग बाइट नहीं ले पाएंगे। तो आप लोग जो दावा कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जन्म लिए, तो आप जब झारखंड राज्य में जन्म लिए तो अन्य स्टेट का भाषा कैसे बोल रहे, बोलिए खोटा, बोलिए कुड़माली, जो यहाँ का क्षेत्रीय भाषा है बोलिए। बाहरी जितने भी वहाँ बसे हुए हैं हम अपने आँखों से देखते हैं, उनका 2 वोटर कार्ड है, 2 आधार कार्ड है, वो वहाँ भी राशन उठाते हैं, यहाँ भी उठाते हैं, अपने आँख से देखते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी तक। कि हम लोग सवाल बाहरी भीतरी का नहीं उठाते, जब हमारे हक अधिकार हम लोगों से छीना जाता है तो सवाल है कि झारखंड राज्य तो अलग हुआ, ठीक है, तो क्या हमारा वोटर कार्ड, हमारा आधार कार्ड, हमारा राशन कार्ड, यही हमारे झारखंडी का पहचान है? ये तो सभी बाहरी जो यहाँ व्यवसाय करने आए थे वो सभी बना बैठे हैं। तो हम झारखंडियों का एक ही नारा है कि हम झारखंडियों का जो पहचान है वो 1932 का खतियान है, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि हम झारखंडी यहाँ के मूल निवासी हैं, हमारे पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड है, तो जो लोग यहाँ व्यवसाय करने के लिए बसे हुए हैं वो लोग के पास भी आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड है, तो फिर हम लोग चिन्हित कैसे करेंगे? इसलिए हम लोग हम सभी झारखंडी मूल निवासी का एक ही मांग है, 1932 का खतियान। तो 32 आ जाने के बाद क्या झारखंडियों को फायदा होगा? देखिए 32 आ जाने के बाद झारखंडियों का ये फायदा होगा कि वो चिन्हित हो जाएंगे कि हाँ यहाँ के मूल निवासी है, उसके बाद उसी के आधार पे जो 60-40 का नीति है उसको हटाया जाए, स्थानीय के आधार पे 90-10 का नीति अगर आएगा तो यहाँ के जो मूल वासी होंगे, क्योंकि बाहरी लोग यहाँ के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं, अभी हाल फिलहाल में ही आप देखे होंगे सिंहभूम तरफ का पेपर कट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, उसमें 26 जो शिक्षक थे वो UP के थे और 3 ही हमारे ख्याल से झारखंड के थे, तो जो जब हम यहाँ से चिन्हित हो जाएंगे तो उतना जो बाहर के लोग यहाँ पे हावी हो रहे हैं वो कम हो जाएगा, यहाँ के जो मूल निवासी हो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी ले पाएंगे क्योंकि चिन्हित रहेंगे कि यहाँ के झारखंडी मूल निवासी है। लेकिन जिनको आप बाहरी बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं हम यहीं पैदा हुए हैं, अगर हम यहाँ पैदा हुए तो हम भी झारखंडी हैं। तो हमारे लोग भी तो महाराष्ट्र में या अन्य किसी स्टेट पे पैदा हुए हैं, तो क्या उनको वहाँ पे चिन्हित किया गया क्योंकि वो वहाँ व्यवसाय करने गए थे? आप यहाँ व्यवसाय करने के लिए आए हैं, आपको कोई रोका टोका नहीं, आप रहिए, जितने साल रहना है व्यवसाय कीजिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति, आपको भी पता होगा कि कोई भी व्यक्ति 2 स्टेट का लाभ नहीं ले सकता है, तो हम लोग भी वही बोल रहे हैं कि आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड अलग स्टेट पे भी बना हुआ है, फिर आप झारखंड राज्य पे भी, उस चीज़ से हम लोग को थोड़ा दिक्कत है कि आप 2 राज्य का जो है फायदा नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ के लोग भी तो दूसरे राज्यों में जाके, तो आप दिखा दीजिए, वही तो बोले व्यवसाय कर रहे, वो वहाँ का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड नहीं बनाए बैठे हैं। अगर यहाँ से बहुत सारे आदिवासी चाय बागान के लिए गए थे, चाय की खेती करने के लिए, उनको अभी तक जो हजारों सालों से वहाँ पे, अभी तक उनको वहाँ का मूलवासी का दर्जा नहीं किया गया, तो आप तो हमारे यहाँ व्यवसाय करने आए थे, फिर आपको कैसे दर्जा दिया जाता? बस आप झारखंड स्टेट के ही जो पहचान पत्र पे रहते हैं, आपके पास तो अदर स्टेट, हम खुद जहाँ मेरा घर है 100% बाहरी जितने भी वहाँ बसे हुए हैं हम अपने आँखों से देखते हैं, उनका 2 वोटर कार्ड है, 2 आधार कार्ड है, वो वहाँ भी राशन उठाते हैं, यहाँ भी उठाते, अपने आँख से देखते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी तक, मेरे घर के बगल का जो क्वार्टर है वहाँ वोट देने आते हैं और झारखंड में भी वोट देते हैं, हम सभी अपने आँख से देख रहे हैं, फिर हम उनके बात पर कैसे भरोसा कर ले कि वो बस झारखंड का उनके पास पहचान पत्र है और अन्य किसी स्टेट का नहीं है, कि हम अपने आँखों से देख रहे हैं 100% लोग वहाँ पे जा रहे हैं, वोट दे के आ रहे हैं, राशन तक उठा के ला रहे हैं, वहाँ वाला राशन और यहाँ वाला राशन मिला के जो एक्स्ट्रा हो जा रहा है उसको दुकानों में और अगल बगल में बेच दे रहे, तो हम कैसे यकीन कर लेगा आपके पास एक ही जगह का चिन्हित है?